आने के तलाश में देर रात एक मकान जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। आगजनी के समय घर पर कोई नहीं था। जानकारी के मुताबिक आग लगने की सूचना आसपास से रहने वाले लोगों द्वारा अग्निशमन केंद्र आनी को दी गई, लेकिन जब तक दमकल विभाग मौके पर पहुंचा तब तक मकान पूरी तरह जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गया था। लकड़ी से बना दो मंजिला पुश्तैनी मकान था जिसमें अशोक कुमार का परिवार रहता था। मकान के अंदर घर का रखा सारा सामान जलकर राख में तब्दील हो गया है। चार कमरों के इस लकड़ी के मकान को ग्रामीणों ने बचाने का भरकस प्रयास किया, लेकिन आग की तेज लपटों को कोई शांत नहीं कर पाया। अशोक कुमार घर से बाहर है, जिन्हें ग्रामीणों ने फोन से आगजनी की सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और नुकसान का जायजा ले रही है, जबकि आग लगने के कारणों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। SDM आनी चेत सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग की टीम को मौके पर भेजा गया है, नुकसान का आकलन किया जा रहा है, जबकि प्रशासन की तरफ से प्रभावित परिवार को 10,000 रुपये फौरी राहत भी दी गई है।